व्यापारियों ने बालासोर उड़ीसा में हुई बड़ी रेल दुर्घटना में 280 से अधिक दिवंगत हुई मृत आत्माओं को भारत माता प्रतिमा स्थल घंटाघर में पोस्टर व मोमबत्तियां लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि इस बड़ी रेल दुर्घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेन्द्र मिश्र व महानगर अध्यक्ष गुरु जिंदर सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों व व्यापारियों ने बालासोर उड़ीसा में हुई बड़ी रेल दुर्घटना में 280 से अधिक दिवंगत हुई मृत आत्माओं को शांति के लिए भारत माता प्रतिमा स्थल घंटाघर में घटना के बाद श्रद्धांजलि के पोस्टर के साथ मोमबत्तियां लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेन्द्र मिश्र ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़ी रेल दुर्घटना है। हमारे अपने 280 से अधिक की मृत्यु हो चुकी है और अभी सैकड़ों घायल हैं। यह भी कहा कि इस बड़ी रेल दुर्घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। श्रद्धांजलि सभा में महानगर अध्यक्ष सरदार गुरजिंदर सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ग्राउंड जीरो पर जाकर राहत कार्य देख रहे हैं और उन्होंने कहा भी है कि दोषियों के खिलाफ सख्त व जल्द कार्रवाई होगी और हमें विश्वास है कि दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। श्रद्धांजलि देने वालों में प्रमुख रूप से महानगर वरिष्ठ महामंत्री रोशन गुप्ता, युवा वरिष्ठ महामंत्री आशीष मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इखलाक मिर्जा व सुनील मिश्र, युवा महामंत्री सचिन त्रिवेदी, युवा कोषाध्यक्ष अतुल ओमकर, अब्दुल वहीद, पवन गुप्ता, विनायक पोद्दार, हरीश रामचंदानी, भूपिंदर सिंह राजा, सुरेंद्र जायसवाल, राकेश गुप्ता आदि थे। ये कल शाम को लगभग 7 बजे के आसपास उड़ीसा में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई। 3 ट्रेनें आपस में लड़ी और कल तक इतना नहीं समझ में आ रहा था, आज ये समझ में आया कि हमारे देश के जो नागरिक उसमें सवार थे, यात्री जो सवार थे, उसमें लगभग 300 के आसपास आंकड़ा पहुँच रहा है, 280 के ऊपर पहुँच चुका है। ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोग घायल हैं। हमारे बीच में लोग नहीं रहे इस दुर्घटना में, ऐसी आत्माओं को शांति देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हो। एक बड़ी बात कि मेरी याद में सबसे बड़ी दुर्घटना है ये, जिसमें इतने ज़्यादा लोग दिवंगत हुए। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए इसकी जाँच जरूरी है कि कैसे एक ट्रैक पर 2 ट्रेन चल रही थी और एक्सीडेंट हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष और निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री जी आज मौके पर है, हम सबको विश्वास है दोषियों को सजा मिलेगी।